नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में उदाहरण तीन का हल करेंगे। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड है, ठीक है, और उसके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 और उसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं इसको ए, इस भुजा को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अनुपात दिया हुआ 3:5:7, माना ए बराबर 3x, बी बराबर 5x, सी बराबर 7x, ठीक है। देखिए भुजा अनुपात में दिया है तो इसको मान लेते हैं। अब देखिए परिमाप, देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी। देखिए परिमाप, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है, और देखिए यहाँ ए माने 3x, 3x, 5x और ये 7x, ठीक है। तो देखिए 5 × 3 = 8 = 7 = 15, ये हो गया 15x। तो देखिए 300, ये 15 इधर आएगा, ये बट्टा में आ जाएगा, ये काटेंगे 15 × 2 = 30, ये कट गया है। देखिए x बराबर कितना आ गया 20, चाहे इसको इधर लिखें उधर लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए x बराबर 20, ठीक है, ये 20 मीटर निकल गया x बराबर। अब देखिए a निकाल लेते हैं, तो देखिए a का मान a बराबर 3x, तो देखिए 3x का मान 20 आया, तो 20 से गुना कर देंगे, 20 × 3 = 60 मीटर, ठीक है, a का मान 60 मीटर आ गया। अब देखिए b का मान, देखिए 5 × 20, 20 × 5 = 100, 100 मीटर बी, और सी देखिए 7x, देखिए तो ये 7 × 20 140 मीटर है। देखिए तीनों भुजा का, देखिए तीनों भुजा निकल गया 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। अब देखिए इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोन सूत्र से। तो देखिए समय बचाने के लिए इसको पहले हल कर लें। देखिए एस बराबर, देखिए अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप 300 दिया, इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 300/2, तो देखिए अर्ध परिमाप 150 आ गया, इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल देखिए हीरोन का सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये भूखंड त्रिभुजाकार है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए इस प्रकार निकालेंगे। देखिए ए कितना है, ए है 60, तो यहाँ 60 लिख दिए। देखिए देखिए ए निकालें 60, ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए 150 में 60 घटाएं 90 बचा, ये 150 में 100 घटाएं 50 बचा और 150 में 140 घटाएं 10। अब देखिए इसको देखिए इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 × 5 = 15, 15 × 150, ठीक है, 90 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3 × 10, 3 × 3 = 9, 9 × 90 और ये 5 × 10 × 10, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ जोड़ा बनाएंगे, देखिए 3 और ये 3 जोड़ा बन गया, ये 3 बाहर आ गया, देखिए एक जोड़ा बनेगा एक बाहर आ गया। अब देखिए 5 और ये 5, तो ये 5 भी बाहर आ गया। अब देखिए 10 ये 10, एक जोड़ा बना तो ये 10 बाहर आ गया, और देखिए यहाँ भी एक जोड़ा बन रहा है तो ये भी हो गया 10, 1 3 बच गया, तो ये रूट के अंदर में रह जाएगा। तो देखिए 3 × 5 = 15, 15 × 10 = 150, 150 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 1500 √3। देखिए ये मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे, मीटर स्क्वायर यानी इस, देखिए भूखंड का क्षेत्रफल आ गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये हल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं।